पर फिर खींची तलवार। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 75 साल तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके रहे हैं, उस भूल की वजह से नेहरू पर निशाना फिर एक बार। समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है ये मसला नहीं होता। कांग्रेस हैरान, पलटवार जोरदार। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम नेहरू जी फॉर दिस, इंदिरा जी फॉर समथिंग एल्स। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर पर, हम चर्चा करेंगे उन आरोपों पर जो कश्मीर को लेकर बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगाए हैं। हम चर्चा करेंगे नेहरू की उन 5 भूलों पर जो बीजेपी गिनवा रही है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 75वीं सालगिरह है। इस मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर नेहरू पर निशाना साध लिया है। आप मेरे एक और देख रहे हैं कश्मीर डायरी, जी हां, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश की आजादी के करीब 2 महीने बाद कश्मीर का भारत में विलय हुआ, वो भी तब जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया। आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार नेहरू पर निशाना साध चुके हैं। दरअसल जब भी कश्मीर समस्या की चर्चा होती है तो बीजेपी नेहरू को घेर लेती है। आज हम बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे के बीच टक्कर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। क्या वाकई नेहरू ने कश्मीर पर भूल की थी? लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महाराजा हरि सिंह खुद ज्वाइन करना चाहते थे तो नेहरू जी ने उसको रोक दिया। पाकिस्तान के लोगों ने जब अटैक किया, अपना रूप बदल करके अटैक किया, उस समय भी नेहरू कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए। कश्मीर को स्पेशल कह करके आर्टिकल 370 डाल करके टेम्पररी प्रोविजन बनाना, जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है। इंस्टेड ऑफ पेडलिंग फेक हिस्ट्री, दीज स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप नर्सरी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, should focus on governance, should compare the 10 years of the UPA government from 2004 to 2014 with the 8 years of Modi government. 75 साल हो गए जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, लेकिन इन 75 सालों में ना कभी सियासत खत्म हुई और ना ही सवाल। बीजेपी जब सत्ता में आई तो कश्मीर से जुड़े सवाल नेहरू पर शिफ्ट हो गए। भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है, तो अगर समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है ये मसला नहीं होता और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। It's very easy to blame Nehru ji for this, Indira ji for something else, Narasimha Rao for something else, as the finance minister keeps doing, and Dr. Manmohan Singh for the rest. Give us answers. You have been in power for 8 years, and in these 8 years, what has been your achievement in Jammu and Kashmir? Kashmir ki baat chali to charcha Pak occupied Kashmir ki bhi hui. बीजेपी ने पीओके के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और श्रीनगर में वायुसेना की ओर से आयोजित शौर्य दिवस में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चुनौती दे डाली। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है, हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। 370 की विदाई के बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख अलग हो गया, लेकिन इतिहास को लेकर बहस और विवाद की तस्वीर नहीं बदली। आज तक ब्यूरो।
सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन दुबे जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और पहला सवाल यही है कि बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने और साफ शब्दों में यह कहा है कि जो वहां के लोगों के पॉपुलर ओपिनियन मतलब वहां के लोगों की राय जानी जाए ये पंडित नेहरू ने जानबूझकर किया था कश्मीर के मुद्दे पर, और इसको प्रमाणित करने के लिए वो कुछ और नहीं 1952 के नेहरू जी के ही भाषण का जिक्र करते हैं जिसमें नेहरू जी ने यह कहा था कि आजादी के 2 महीने पहले ही राजा हरि सिंह ने बात की थी भारत में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे ज्यादा चाहता था, मैं चाहता था पॉपुलर ओपिनियन हो, वहां के लोग ये बोले। क्या ये भूल हिंदुस्तान को भारी पड़ी? अंजना जी, क्या भूल हिंदुस्तान को भारी पड़ रही है वो मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है ये कश्मीर को हिंदू और पंडित मुक्त कर देने पर आमादा है। पंडित करा रहे हैं, वहां हिंदू भाई करा रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, मगर प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कुछ तथ्य पहले पंडित नेहरू जी के विषय में स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि अधूरी जानकारी नहीं, नियोजित षड्यंत्र करके पंडित नेहरू को बदनाम करने की जानकारी ये लेकर आ रहे हैं। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं वो बात पंडित नेहरू ने क्या कहा था, स्पष्ट इनकार कर दिया था, क्योंकि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहते थे। 4 जुलाई को पंडित नेहरू ने राजा हरि सिंह को पत्र लिखा और चेतावनी दी कि अगर पृथक देश के बारे में विचार भी किया तो ये ठीक नहीं होगा। 27 सितंबर को जब ये कबाइलियों का हमला हुआ उसके 1 महीने पहले पंडित नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा और कहा कि मुस्लिम लीग पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ठंड में भारत से कश्मीर का रास्ता बंद हो जाता है, हवाई मार्ग से भी रास्ता बंद हो जाता है और झेलम वैली से एकमात्र रास्ता बचता है रावलपिंडी से, इसलिए हमको तैयारी करनी होगी। मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को कश्मीर के संदर्भ में पंडित जी ने लिखा कि ये हर हाल में भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन लिखते हैं कि अपना विस्तृत प्लान दीजिए, क्योंकि 3 जून 1947 को जब पार्टीशन का प्लान फाइनल हुआ उसके पहले मई के माह में पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की। एक बात आपसे पूछ रही हूँ सर, सुनिए ना, फैक्चुअली बात करते हैं। जिन बातों को बीजेपी कोट कर रही है अगर ये झूठ है तो आप यहाँ पर साबित कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी ने अपने जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर एमसी महाजन को चिट्ठी में लिखा था, एंड आई कोट, इट विल प्रोबेबली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ एडहेशन टू द इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज। ये अभी सही नहीं होगा कि कोई भी ऐसा फैसला लिया जाए कि भारत के यूनियन में जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाए। क्या ये चिट्ठी सही है या गलत है? क्योंकि ये केंद्रीय कानून मंत्री ने बताई है, अगर ये गलत है प्रमाणित कैसे कर सकते हैं आप? सुधांशु जी इसके बारे में। मैं प्रमाणित करता हूँ। 12 अगस्त को जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, पंडित नेहरू का आर्ग्यूमेंट क्या था? पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राजा हरि सिंह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करें। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का अर्थ होता है कि एक तरह से पृथक राष्ट्र की घोषणा की तरफ बढ़ाया जाने वाला कदम। 12 अगस्त 1947 को जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था उसमें उन लोगों ने कम्युनिकेशन, सप्लाई, टेलीग्राफ ये सारा पाकिस्तान ऑपरेट करने लगा था। तो ये जो कम बुद्धि के लोग हैं इनको समझ में आना चाहिए कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में और वल्लभ भाई पटेल अंत तक तैयार नहीं थे, क्योंकि ये कम्युनिकेट उन्होंने कराया कि ऑल वेदर रोड तो झेलम वैली रावलपिंडी से वहां का है। लेकिन 13 सितंबर को जब जूनागढ़ का एक्सेशन हुआ, अंजना ओम कश्यप जी, जब पाकिस्तान ने स्वीकार किया तब जड़ इच्छा शक्ति वल्लभ भाई पटेल जी ने दर्शाई। और ये जो भोंडा प्रचार करते हैं प्लेबिसाइट का, अरे साहब मुझे बताइए, फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का प्लेबिसाइट क्यों कराया जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले। हमने सिक्किम में भी बाद में जनमत संग्रह किया जबकि भारत से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बनी 1975 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वहां पर भी किया।
ठीक है, ये बंटवारे के लिए बरतानिया की शर्त थी, लेकिन ये लोग क्या अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं इनसे पांच सवाल इन लोगों से भी करूंगा अगर आप आगे। ठीक है, इसके बाद, इसके फौरन बाद सुधांशु जी, वो कह रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं नेहरू जी के बारे में। देखिए समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो प्रवक्तागण आते हैं या उनके कार्यालय से जो भी बोलता है, अपने नेहरू जी के जमाने के खुद के लेटर्स, उनके जमाने के नेताओं के पत्र वो पढ़ते नहीं है और आकर यहां व्हाट्सएप कहने लगते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे वी एन गाडगिल जी ने अपनी किताब फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करना चाहते थे परंतु नेहरू का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सुनिए, मौलाना आजाद जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया मींस फ्रीडम में लिखा कि जब शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चला रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 46 में और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो नेहरू जी बतौर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सितंबर 46 में प्रधानमंत्री बन गए थे, अभी जी आपको याद होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने जाकर दबाव बनाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मींस फ्रीडम जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा, इससे उसके बावजूद विलय की शर्तों पे सन 47 में वो इस बात पे अड़े हुए थे, ये लिखा है मौलाना आजाद ने कि नेहरू जी अड़े हुए थे कि विलय की शर्त यह होगी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए। अब आप बता दीजिए, आप उस समय के अपने कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को ठुकराना चाहते हैं। और एक तथ्य, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो सिर्फ कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? कितने इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, इसका जवाब भी दीजिए। अब तक कोई यह कहे कि गृह मंत्री के पास सारे सुरक्षा बल रहेंगे, एक जो है वो पहला मिलिट्री फोर्स मेरे पास रहेगा, तो यहां से तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा। छोटा सा जवाब मुझे सुधांशु जी से एक और बात। अंजना जी, नेहरू जी का व्यक्तिगत अटैचमेंट था जम्मू कश्मीर से, वहां पैदा हुए थे नेहरू सरनेम, इसलिए कि कश्मीर में नहर के किनारे रहने वाले को नेहरू कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभिरुचि नहीं थी 13 सितंबर के पहले कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, लेकिन पंडित नेहरू, जैसा मैंने बताया कि इस जो पाकिस्तान की सेना ने हमला किया हिंदुस्तान की तरफ, कबाइलियों का हमला हुआ, उसके एक महीने पहले विस्तार से चिट्ठी लिख चुके थे 27 सितंबर को, और ये बता चुके थे कि देखिए ठंड में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं, जब ये पत्र लेकर आए वहां पर राजा हरि सिंह का पत्र लेकर, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा पंडित नेहरू को कि सादे पत्र से काम नहीं चलेगा, जब तक आप एक्सेशन नहीं ऑफिशियली कर देते तब तक वहां पर भारत की सेना को भेजना संभव नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू चाहते थे कि वहां पर भारत की सेना जाए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विनम्रता। ठीक है, इस पर एक रिस्पॉन्स ले लीजिए ना सुधांशु जी, आपके सवाल का उन्होंने सीधा जवाब दिया। वो कह रहे हैं नेहरू जी पर्सनली इंटरेस्ट चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अच्छे से भारत में विलय हो, इसलिए उन्होंने किया। आपका आरोप क्या है सर, आरोप क्या है, क्या चाहते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को? बता रहा हूं, ये क्या बोल गए? नहीं नहीं अंजना जी, आप रिवाइंड करके देखिए अभय जी क्या बोल गए कि 19 सितंबर 47 से पहले सरदार पटेल चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का भारत में विलय। हाँ, ये वो कह रहे हैं, विचित्र तर्क है। 13 सितंबर, अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं, अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं जनाब। जब कबायलियों ने अटैक किया, एक तो वो इतना बड़ा मौका था क्योंकि विभाजन की शर्तों में था कोई देश फौज का यूज नहीं करेगा, और जब एक बार उन्होंने फौज का यूज किया था और हम फौज के यूज पे आते तो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे पास थी, आर्म्स एमुनिशन हमारे पास था, हम ऐसी की तैसी कर देते उनकी, मगर शांति का मसीहा बनना था। अब मैं फैक्ट बताता हूं, 24 अक्टूबर 1947 को जब कबायलियों का अटैक हो चुका था, विलय की चिट्ठी लेकर कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन, जो भारत में बाद में भारत के तीसरे चीफ जस्टिस रहे, अभय जी गौर फरमाइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा है कि दो दिन तक बैठकों का दौर चलता रहा और तब तक नेहरू जी ने निर्णय नहीं लिया क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपकर हरि सिंह सत्ता छोड़े। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बैठक के अंदर स्थिति यह उत्पन्न हुई कि उन्होंने कहा कि यदि श्रीनगर पे कब्जा हो जाएगा दो दिन में। अब सुनिए, ये मेहरचंद महाजन लिखते हैं, तो नेहरू ने यह कहा कि हम इतने ताकतवर हैं कि कब्जा हो जाएगा तो भी हम श्रीनगर छुड़वा लेंगे। तब वो कहते हैं कि वो ये नहीं समझ पाए जो तबाही होगी उसकी भरपाई कौन होगी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री ये कह के उठ जाते हैं
कि भाई अगर आप तुरंत सेना नहीं भेजते हैं तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं ताकि वो कश्मीर में हमारे शरणार्थियों को श्रीनगर से अगर एग्जिट रूट दे तो मैं उनसे प्रस्ताव करने जाता हूं। तब बकौल मेहरचंद महाजन, सरदार पटेल ने बगैर नेहरू जी की तरफ देखे ये कहा आप जाइए, सेना अभी पहुंच रही है। जनाब इस ढंग से मैटर सॉल्व हुआ और ये कहने वाला भारत का चीफ जस्टिस रहा है और उस समय जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री रहा है, ये बात कोई हवा में नहीं है। और अगर आप लोगों को आपत्ति है तो जाके मुकदमा करिए उन लोगों के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लोग कह देते हैं, साहब अब आज के जमाने में तथ्यों को ढूंढना और किसी के अंदर रुचि है तो खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जाके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, जिस 24 तारीख का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, नवनिर्वाचित प्रवक्ता, एक बार डिफेंस कमेटी का रिकॉर्ड तो देखिए उस समय का, चूंकि बंटवारे का प्रश्न था, आजादी का नहीं था, और रेडक्लिफ के अनुसार बंटवारा निर्धारित होना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ कहा उस 24 तारीख के पत्र को लेकर कि इस पत्र की बिना पर मैं भारत की सेना को वहां भेजने की आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो आजाद देश के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन मेरे पास नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है। तब पंडित नेहरू ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर लेटर ऑफ एक्सेशन दिया और तक डिफेंस कमेटी की मीटिंग चली। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये तय था ना कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, एक सेकंड, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका जो भी वहां रूलर था और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उनके बीच में करार होगा, उनको इंडिया में जुड़ना है, क्या करना है, ये लोगों की राय शुमारी की बात ये किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि नेहरू जी ने ये अड़ंगा डाला लटकाने के लिए। तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ का प्लेबिसाइट क्यों कराया जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले, क्यों नहीं बताते ये लोग? क्योंकि ये शर्त थी कि अगर रियाया सहमत नहीं हुई और सिर्फ राजा सहमत हुआ तो वहां पर लोगों का अभिमत जाना जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 15 जून 1947 को तारीख याद रखी है, एक अपना बैठक करके प्रस्ताव पारित किया सीडब्ल्यू सी, जूनागढ़ की मिसाल दे रहे हैं, एक मिनट, लॉर्ड माउंटबेटन को ये पत्र दिया कि कोई भी राजा अपनी स्वेच्छा से आजाद देश किसी भी अंग से भारत से घोषित नहीं कर सकता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ये पंडित नेहरू ने कई अवसर पर न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को भी इस बात से स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहता हूं, वंदना जी विनम्रता से बताइए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पहले आपके सवाल का जवाब, ठीक है पहले इसका जवाब हो जाए ना, अभय जी मैं आऊंगी आपके सारे जवाब, इसका जवाब दीजिए आप। वो जूनागढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पर 99.95% लोगों ने इंडिया में ज्वाइन करने के लिए वोट किया। अभी देखिए अंजना जी अभी क्या बोले, 24 अक्टूबर 1947 डेट याद करिएगा, 24 अक्टूबर 1947 को ये कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वीटो कर दिया कि विलय पत्र के आधार पे हम फौज नहीं भेज सकते। इनसे पूछिए 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो गए थे तो कौन था लॉर्ड माउंटबेटन हमसे कहने वाला भाई 24 अक्टूबर 47 को? काहे नेहरू उसकी बात मान गए? गजब है साहब, 24 अक्टूबर 47 को आप माउंटबेटन के फरमाबरदार बने हुए हैं अपने क्यों चल रही थी माउंटबेटन की आजादी के बाद भी मिस्टर दुबे अगर जनता की प्लेबिसाइट। अंजना जी देखिए बड़ी विचित्र बात है भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो अपेक्षा नहीं करता था कि इतने पूरी बात कर दूं, प्लेबिसाइट की बात पूरी कर दूं, जवाब इसमें मिल जाने दीजिए सुधांशु जी, प्लेबिसाइट वाला भी तो कर दूं ना, एक मिनट, ये प्रश्न अंजना जी आजादी का नहीं था, आजादी के संदर्भों का प्रश्न भारत की स्वायत्तता की निर्णय लेने की, लेकिन यह प्रश्न था बंटवारे का। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि रेडक्लिफ के अनुसार जब बंटवारा निर्धारित होगा उन शर्तों के अनुसार उसमें हस्तक्षेप, तो गुलाम मानसिकता दिखाता है दुबे जी, आजादी हो गई उसके बाद क्या माउंटबेटन की सुन ली? अंजना जी नहीं, देखिए आजाद भारत था लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ था, इसलिए कश्मीर माउंटबेटन बताएगा भिन्न हिस्सा बना, एक मिनट, भारत का अभिन्न हिस्सा बने, क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल खड़ा नहीं किया? वो तो कैबिनेट का हिस्सा थे, वो तो जब पहली कैबिनेट की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने क्यों नहीं क्यों बताएगा कि कश्मीर की समस्या का हल कैसे किया जाए? कश्मीर जी
माउंटबेटन क्यों बताएगा? यस, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये दो देशों के का निर्धारण किया जाना था, भारत और पाकिस्तान, इसलिए बर्तानिया हुकूमत बीच में थी। आज भारत की आजादी का संदर्भ है ही नहीं, भारत तो पूछ रहे हैं सर क्यों थी भारत, यही तो मेरा सवाल है सर क्यों थी? क्योंकि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और बर्तानिया हुकूमत ये चाहते थे कि अलग पाकिस्तान बने। कैसे, मैं उसका खुलासा करता हूँ। पहली बार अबे देखिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ए आप आ गए जी पे सर, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि माउंटबेटन की क्यों सुनी जा रही थी सर, आजाद हुए? ये प्रश्न आजादी का निर्धारण नहीं करना था। अरे पर हमारे जब हम आजाद हो गए उसके बाद हमारे इंटरनल मैटर्स में वो क्यों इंटरफेयर करेगा या उसको ये अधिकार क्यों दिया गया? ये अंजना जी समझिए, ये इंटरनल मैटर जब होता, जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन होकर हमारे पास आ चुका होता। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन नहीं आया, जब तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला, लेटर ऑफ एक्सेशन की कॉपी जब हमारे पास आई तब हमने डिफेंस कमिटी की मीटिंग लेकर वहां पर सेना को भेज दिया और कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। इसलिए उसी समय तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन बोल सकते थे। ये बात हमारे साथ मुखर्जी भी जानते थे, पंडित नेहरू भी जानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जानते थे। बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं इसे कि जब फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा था अलग पाकिस्तान का 23 मार्च 1940 को, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार क्यों बनाई बंगाल में और प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो के खिलाफ? इतना ही नहीं, हिंदू महासभा जो सावरकर जी का राजनीतिक दल था उस समय, उसने सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और 1933 में सिंध ने मैं प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव पारित किया? कि पृथक से पाकिस्तान बनाया जाएगा। तब इन लोगों ने वहां से इस्तीफा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में मीनारे पाकिस्तान क्यों गए? वहां पत्रकारों ने पूछा कि अटल बिहारी जी हिंदुस्तान में आपके खिलाफ लोग लिखेंगे कहेंगे, उन्होंने कहा मैं इसकी चिंता नहीं करता। मीनारे पाकिस्तान वो जगह थी जहां पर लाहौर का प्रस्ताव अलग पाकिस्तान का पड़ा गया। अभी 2021 में 23 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेम पत्र लिखते इमरान खान को, इमरान खान साहब अलग से पाकिस्तान की स्थापना जो दिन था 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की स्थापना दिवस पर, मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्यों संदीप नेहरू का जिक्र करती है? क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आर्टिकल 370 हटते ही वहां पर हजारों लोग जम्मू कश्मीर में अपनी भूमि पर वापस चले जाएंगे। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की। आज स्थिति यह है कि शोपिया जैसी जगह जहां पर 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडित भाई छोड़कर नहीं गए थे, वो त्राही माम है। एक एक करके कश्मीरी पंडित घाटी से निकल रहे हैं सुधांशु जी, और आज के दिन भी आप लोग व्यस्त है नेहरू जी के भूल गिनाने में। ये किसकी भूल है? नहीं देखिए, देखिए मैं कह रहा हूं, अभय जी वैसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर आज क्या करें, कांग्रेस के कैसे पक्ष को डिफेंड करना है। आपके सामने तो बात स्पष्ट हो गई कि अक्टूबर 47 में जो माउंटबेटन चाह रहे थे वो हो रहा था। इसका मतलब भारत स्वाधीन हो गया था पर नेहरू माउंटबेटन के पराधीन थे। अब इनको प्लेबिसाइट का जवाब देता हूं। यदि जनता के आधार पर तय होना था मान्यवर, तो लाहौर में 75% आबादी हिंदू और सिखों की थी, कराची में 2/3 आबादी हिंदू की थी, मतलब पंजाबी और सिंधी हिंदू की। वो क्यों चला गया पाकिस्तान में? क्यों नहीं नेहरू ने कहा वहां पे जनकड़ाई कराइए? और अभी आप क्या बोल गए माननीय, 1946 में आपने बोला कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई। अरे माननीय अपना इतिहास, अरे 1946 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी। और इतना ही नहीं, पूरी बात आप अपनी कर ले। देखिए आप बोल रहे थे मैंने सिर्फ उंगली उठाई थी मान्यवर, उंगली उठाई थी मैंने सिर्फ अपने टर्न। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो गुहार लगाते रहे, जनमत संग्रह आपके पक्ष में रखा हुआ था, 2/3 बहुमत से आज का जो फाटा का इलाका है, खैबर पख्तूनवा का इलाका पाकिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां कांग्रेस की सरकार थी, मगर महान बनना था छोड़ दिया। आखिर में वो बयान है खान अब्दुल गफ्फार खान का कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया कांग्रेस ने, भेड़ियों के हाथ में ये शब्द बोला। और सुनिए आज का बलूचिस्तान जहां ग्वादर बन गया, खान ऑफ कलात नहीं मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय वो प्रिंसली स्टेट नहीं था, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, वो निगोशिएट करना चाहते थे, महान बनना था तो बलूचिस्तान को भी छोड़ दिया। सोचिए अगर आज हमारे पास फाटा और बलूचिस्तान होता
तो पाकिस्तान की बिसात ही क्या होती, न ग्वादर होता चीन के पास, सारा मतलब जियो पोलिटिकल स्टेटस ही डिफरेंट होता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं जो हकीकत हुई वो भूल नहीं थी, ईमानदारी से कहा जाए तो अपनी महान छवि बनाने की कीमत देश से वसूली गई थी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स के साथ संबंध थे दुनिया में मेरी महान छवि बनी रहे, माउंटबेटन खुश रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, कबालियों ने अटैक किया था, पाकिस्तान के पास तो ना आर्मी थी ढंग की, ना उनके पास एम्युनेशन था, भारत से मिले पैसे से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए हथियार खरीदे, वो 55 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त क्यों दी? अरे उस समय आंदोलन हुआ यहां कि हमारा पैसा खरीद के, हमारे पैसे से हथियार खरीद पे हम पे अटैक होगा, ये नहीं चलेगा, नहीं हो गया। महान बनना था तो हमने अपना वचन निभाया, वो वचन निभा नहीं रहा है, वो हथियार भेज रहा है और आप कह रहे हैं हम दूसरी किस 55 करोड़ की भेज देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये भूल नहीं है, ये भारत माता के साथ हुए अनेक अपराध है। सुधांशु जी अब हो गया, बलूचिस्तान ले गए आप, कबायलियों की सबकी बात कर ली, जरा ये भी बताइए ना शोपिया पर जवाब कौन देगा, कश्मीरी पंडित अगर आज घाटी छोड़ रहे हैं तो उस पर जवाब कौन देगा, या वो भी नेहरू की भूलों में शामिल है? देखिए हम एक बात तो साफ कहना चाहते हैं, अचानक आप उधर से इधर विषय पे आ गए तो ये तो सत्य है, जिस ढंग से कश्मीर को 70 साल तक ब्लीड करते रखा गया, 2019 5 अगस्त को उसका भारत में संपूर्ण विलय हुआ, अगर वो स्थिति नहीं होती, कैंसर आपने पाल के रखा 70 साल तक तो उसके निवारण में कुछ साल तो लगेंगे ही, इतना बदलाव तो आया है कि आप केवल दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में आतंकवाद रह गया है, इतना बदलाव तो आया है कि अब टूरिज्म इतना बड़ा है कि केवल इस साल सितंबर के महीने तक 22 लाख टूरिस्ट जा चुके हैं, जो औसतन एक साल में पूरे 12 महीने में 9 से 10 लाख जाया करते थे, जो 16000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था अगर 56000 करोड़ का हुआ है तो हालात में सुधार नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए था, अगर डायरेक्ट शारजा से भी फ्लाइट चलने लगी है तो अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो खाली जहाज तो चल नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ कुछ फैक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि बदलाव आया है मगर 70 साल के नासूर को समाप्त करने में, वो भी कितना गहरा, और उसका समर्थन करने के लिए आज भी गुपकार गैंग बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं, शेख अब्दुल्ला के वंशज भी बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती भी बैठी हुई हैं, और पीछे से समर्थन देने के लिए कांग्रेसी भी बैठे हुए हैं, और दिल्ली में उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने के लिए लेफ्टिस्ट भी बैठे हैं। सुधांशु जी आज के हालात पे तो आइए, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हिंदू रहित हो जाएगी घाटी, जिस तरह के हालात आपने बनाए हैं। मैं फारूक अब्दुल्ला के लिए कहना चाहता हूं जनाब, ये उनकी खिसियाहट और बौखलाहट बोल रही है। पंचायत चुनावों में पूरी तरह धराशायी हो गए, जो लोग कहते थे धारा 370 हटेगी तो घाटी में आग लग जाएगी, जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, और तिरंगे की आप डल लेक के पीछे कतारें देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त को, ये उनकी खिसियाहट बोल रही है और कुछ नहीं। वास्तविकता में जो कायराना हरकतें की जा रही आतंकवादियों के द्वारा, यदि हमारे देश में कोई उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने वाला ना हो तो यह काम और आसान हो जाए, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार यह करके दिखाएगी। दुख की बात यह है कि अमेरिका में आपने कभी नहीं सुना होगा कि 9/11 करने वाले खालिद शेख, मोहम्मद अट्टा या इनके पक्ष में आके वहां टीवी पर कोई बहस करे अथवा कोई राजनीतिक दल वक्तव्य दे, एक ऐसा बयान नहीं है। दुख की बात है भारत में यह होता है, आतंकवाद को में भी राजनीतिक लाभ और हानि देखा जाता है, इस कारण से यह समस्या में विलंब हो रहा है, परंतु हम उसके बावजूद भी कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब भाई जी आपको इसमें भी घसीट लिया और बता रहे मौजूदा गुपकार गैंग के जो पूर्वज थे उन सबके साथ आप लोग मिले हुए थे। अब सवाल यह है कि देखिए बीजेपी कह रही है कि निजी महत्वाकांक्षा में महान बनने के लिए नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को इस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरह से देखिए अंजना जी, निजी महत्वाकांक्षा क्या होती जानती हैं आप? निजी महत्वाकांक्षा वो होती है जब तालिब हुसैन जैसा दुर्दांत आतंकवादी आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री के मंच पर पीछे खड़े होकर मंच साझा करे, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने का जिम्मेदार था। तारिक अहमद मीर जिसको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो आतंकवादी कश्मीर के भाइयों को यह दिल छलनी करने में लगा हुआ है। वो सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की, जो अजहर मसूद का शिष्य रहा, एक साल तक
पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, 10 साल जेल काटी, ये सब जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे, ये होता है आर्टिकल 370 हटने का नतीजा। आर्टिकल 370 हटने का नतीजा होता है कि स्कूल टीचर रजनी बाला गोलियों से छलनी कर दी जाती है, रंजीत सिंह के घर पर हैंड ग्रेनेड मारकर मार डाला जाता है, अमरीन भट्ट टीवी का आर्टिस्ट को मार डाला जाता है, राहुल भट्ट जिसको मनमोहन सिंह जी की सरकार में नौकरी दी गई थी उसे ऑफिस में रेवेन्यू ऑफिस में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, गुलाम दर माखनलाल बिंद्रू जो 1990 के दशक में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए उनको गोलियों से भून दिया जाता है, ये आर्टिकल 370 हटने का नतीजा बताते हैं। क्या कहते थे ये लोग? ये कहते थे आर्टिकल 370 हटने दो, 35 है हटने दो, बहुत से लोग हजारों लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर, जमीन लोग खरीद कर निवेश करेंगे। बताइए ना, अभी पार्लियामेंट में बताया कि जम्मू के हिस्से में तो जमीन खरीदी गई, वहां पर भी लोग विरोध कर रहे हैं उनके स्पेशल स्टेटस का, लेकिन कश्मीर में निवेश नहीं आया। आप बताइए ना, आपने तो एक वेबसाइट लॉन्च की थी कि जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनकी जमीनें हथिया ली गई थी उनको पुनः उनके घर वापस सौंप देंगे। क्या हुआ? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमको यहाँ से अभी शोपिया से 50 लोग 10 परिवार पलायन कर गए, एक के बाद एक पलायन जारी है। कश्मीरी पंडितों का हित कितना साफ है? अभी जब अमित शाह साहब ने एक मीटिंग ली तब उनको बताया गया कि जो आपने वादा किया था उसके सिर्फ ट्रांजिट हाउस 17% बने हैं। बताइए ना कितने कश्मीरी पंडित भाइयों को नौकरी दी? ये छद वेश धारण करना बंद कर दीजिए। कश्मीर की चर्चा जारी रखेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। किरेन जी स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने 5 ऐतिहासिक भूल गिनाए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सारी की सारी जानकारी जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है, वो इसको नकार रहे हैं। वो यहां तक कहते हैं कि सरदार पटेल ने तो बाद में सोचा, इतने भावुक थे जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू जी कि वो चाहते थे कि हर हाल में पूरी तरह से भारत में विलय हो। उनकी बात को नकारने के लिए अपनी बात प्रमाणित तौर पर कैसे कहेंगे आप? किरण जी देखिए, इसमें विवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये ऐसा एक मुद्दा है जो अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं, और जो 75 साल से झूठ फैलाया जा रहा था ये अब पर्दाफाश हो चुके हैं, और देशवासियों को इसका पूरा तथ्य का उजागर हुआ है और जानकारी प्राप्त हो गई है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं और इतिहास को मरोड़ना भी नहीं चाहिए, और जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास भी नहीं बना सकते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। इसलिए जो नेहरू जी ने गलतियाँ की, प्रमुख 5 जो मैंने गिन करके बताए हैं, अगर वो नहीं होते तो कश्मीर भी वैसे ही होता जो बाकी आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वैसे ही होते। आज कश्मीर अलग से एक विवादित एक विषय क्यों बना, और इतने 75 साल में सैकड़ों जाने गए, हमारे प्रॉपर्टी चले गई, हमारे जाने चले गई, टेंशन हो गई, देश के रिसोर्सेस लूट गए, कितने इनोसेंट लोगों का घर उजाड़ गए, ये जो विषय के अलावा भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बिना मतलब के बन गई है, ये सब नहीं होते। और हम गलतियां को गिनाएंगे और गलतियों से फिर हम सुधरेंगे, तभी तो आगे हम समाधान निकाल सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो नेहरू जी ने गलतियां की हैं मोदी जी ने उसको सुधारा है, सिर्फ ये कि इतिहास में जो सच्चाई है वो सामने में आना चाहिए, और इतिहास से हम पलट नहीं सकते हैं। इसमें मैं तो इसको विवाद का मुद्दा ही नहीं मानता हूँ, ये तो बहुत साफ है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्पेशल केस जम्मू कश्मीर को नेहरू जी ने बताया, ये आपने सबसे पहले आपका आरोप यही है कि स्पेशल केस जानबूझकर नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को बनाया। ये इसलिए जी, ये इसलिए कि हमारा आजादी होने से पहले महाराजा हरि सिंह ने जुलाई के महीने में ही अप्रोच कर चुके हैं, ये तो डॉक्यूमेंट में नेहरू जी ने खुद कहा है, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सारा डिबेट डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट तो राष्ट्र का डॉक्यूमेंट है। और जब महाराजा हरि सिंह जी ने कह चुके हैं कि हम विलय होने चाहते हैं भारत के साथ में, तो फिर उसमें नेहरू जी ने क्यों रोका, ये सवाल तो उठना लाजमी है। उसके बाद जब पाकिस्तान आक्रमण करता है और तब भी नेहरू जी बोलते हैं कि नहीं अभी इंतज़ार करना चाहिए, अभी हम विलय नहीं कर सकते, तो बाकी जितना भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका विलय होने में कोई समस्या नहीं हुई और कश्मीर को रोक के रखा, ये तो बहुत बड़ा सवाल तो उठता ही है।
और इसके बाद आप देखिए कि जब यूनाइटेड नेशन में ले गए तो यूनाइटेड नेशन में ले जाने से वो आर्टिकल 51 में ले जाना चाहिए था, 35 में ले गए और इसको एक बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय एक विवादित मुद्दा बनाया। अब ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो हमारा अपना अभिन्न हिस्सा है, इसको यूनाइटेड नेशन में ले जाने का क्या जरूरत था। और दूसरी बात, मेरे दिल में आज भी इस बात को लेकर के जैसे हर भारतीय के दिल में दुख है, जलन हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भारत जो है आज ही का दिन हमारे इन्फेंट्री श्रीनगर पहुंचे और जो बचाया, लेकिन आज भी कश्मीर का एक हिस्सा तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उस जो टेरिटोरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक हिस्सा फिर चीन को दे दिया पाकिस्तान ने, तो ये तो हकीकत है। तो आज भी जो एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है जम्मू कश्मीर का, तो वो चीज तो नहीं होते ना। अगर महाराजा हरि सिंह का जो इनिशियल प्रपोजल था उसमें अगर भारत के यूनियन में विलय हो जाते तो ना कश्मीर का आज विवादित ये मुद्दा बनकर के खड़ा हो रहे हैं वो नहीं रहता, ना आधा कश्मीर का जमीन आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन के रहता। तो ये चीज, ये देशवासियों को इसलिए सामने में मैंने चीज को लाया कि अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे तो हम इतिहास नहीं बना सकते हैं। यही बात अंबेडकर जी ने भी कही थी और मैं इसी बात को कह रहा हूं कि हम इतिहास से मोड़ नहीं सकते, इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन इतिहास से सीख जरूर लेना चाहिए। इसलिए नेहरू जी का जो गलती है मोदी जी ने उसको सुधारने का काम किया है। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सर एक और चीज, जब आप ये कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं थी जम्मू कश्मीर में, वहां पर लोगों की राय की बात की ही क्यों गई, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्लेबिसाइट तो जूनागढ़ का भी किया गया जिसमें 99.95% लोगों ने वोट किया था कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसी तरह का प्लेबिसाइट तो जूनागढ़ में भी किया गया था जो प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर में किया। जूनागढ़ का जो कंपोजिशन है आपको भी मालूम है, हमको मालूम है, जम्मू कश्मीर का कंपोजिशन भी सबको मालूम है, लेकिन उस समय विषय ये था ना कि प्लेबिसाइट का कोई मुद्दा नहीं था। उस समय विषय ये था कि जो उस समय का जो रूलर है, जो उस प्रिंसली स्टेट का जो भी रूलर है, वो तय करेंगे कि पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया का साथ रहेंगे। तो उसमें तो जब महाराजा ने कह ही दिया, बाकी चीज जो सब्सिक्वेंटली जो भी हुए हैं उसका कोई जरूरत नहीं था, ना ऐसा संभावना थी, लेकिन वो क्रिएट किया गया है। दूसरी बात, जब फाइनली नेहरू जी के पास कोई चारा नहीं था और जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को मांडा था, तो फिर उसको प्रोविजनल क्यों बनाया? बाकी जो किंगडम है, बाकी जो राज्य है, सारा विलय जो है संपूर्ण है, तो कश्मीर का विलय को फिर प्रोविजनल क्यों बनाया? फिर प्रोविजनल बना के बाद में एक टेम्पररी प्रोविजन के नाम में आर्टिकल 370 का क्यों रखा? और आर्टिकल 370 रख करके कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को भारत से अलग स्थिति क्यों बनाया? ये सब इतना बड़ा सवाल है कि इसको तो देशवासियों को जानना ही चाहिए। हम अपने इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है आप लोगों का, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो रही है और ऐसी परिस्थिति है कि शोपियां और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं जम्मू के लिए, वहां की स्थिति को देखने के बजाय आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेहरू की बात ला रहे हैं, इस पर आपका जवाब क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे में और कश्मीर के मामले को लेकर के सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि देश से माफी मांगे। और पंडित जी तो अभी नहीं रहे, लेकिन उसको सुनने वाले, उसको पूछने वाले या उसके आइडियोलॉजी पे चलने वाले आज भी जो बचे हैं, वो तो कम से कम देश से माफी तो मांगे बजाय इसको राजनीतिक रंग देने का। वो इतना तो कहे कि जो गलतियां की है वो माफ कर दीजिए और मोदी जी ने जो सही कदम उठाया उस रास्ते पे सबको चलना चाहिए। सच्चाई को मानते हुए देश हित में काम करने में क्यों उनको परेशानी होना चाहिए? मैं तो कांग्रेस लोगों को ये कहता हूं कि आज भी वो गलतियां मान ले और जो 75 साल से झूठ बोलने का जो कोशिश किया था उसको मान ले और देश के जो मुख्य धारा जहां बह रहे हैं मोदी जी के साथ, उस सोच विचार के साथ चलिए ताकि हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बन के खड़े हो जाए और कोई जो इतिहास में जो भूल हो गई है उसको हम सुधारें, सीख लें
और सही रास्ते पे चले, इतना ही करना है। इसमें क्या मुसीबत है? कांग्रेस पार्टी पार्टी के लोगों को परेशानी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए एक आखिरी सवाल है किरण जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे ऐतिहासिक भूल के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस देश की आजादी में की लड़ाई में वो शामिल थे, उनका ये मानना है कि वो देशभक्त थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। आपके हिसाब से चलिए, क्या लगता है आपको क्या वजह रही होगी? भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अगर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह से विलय को मतलब बाधित किया किसी ना किसी तरीके से, क्यों किया होगा? क्या लगता है आपको, आपकी रीडिंग क्या है, क्यों किया नेहरू ने ऐसा? देखिए, मैं बहुत ज्यादा इसको आंकलन करना नहीं चाहता हूं और ज्यादा मोड़ नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो सवाल ये उठता है कि कश्मीर को स्पेशल ट्रीट करने का या अलग ट्रीट करने का जो उन्होंने अपने काम से अपने बातों से सामने में रखा है, उसको लेकर के मैं ये मानता हूँ कि वो कश्मीर को एक दूसरे तरीके से देखते थे। कश्मीर को नेहरू जी बाकी राज्यों का जो प्रोसेस है विलय का या बाकी राज्यों के प्रति उनके जो नज़रिया है उससे भिन्न थे, इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये जो स्पेशल कहते थे नेहरू जी कश्मीर स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है? आज नेहरू जी को तो कोई पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन लोग आकलन तो कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर को लेकर के जो गलतियाँ की हैं उसको आज सुधारने का काम हो चुका है, अब इसी रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन इतिहास के जो भूल है उसको भूलना नहीं चाहिए। इतिहास को जो भूलते हैं इतिहास नहीं लिख सकता है, ये मेरा इस बात पे कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जल्दी से अभय जी, आपका रिएक्शन उनकी बातों पर। मैं रिजिजू जी से आग्रह करता हूँ, क्या वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इसी बुनियाद पर कहेंगे माफी मांगने के लिए या उनके अनुयायियों से? क्योंकि 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह ने शर्त रखी दो निशान और दो विधान की, जब 15-16 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर आर्टिकल 370 फाइनलाइज किया जिसका नाम पहले आर्टिकल 306A था, या 26 जनवरी 1950 जब आर्टिकल 370 आ गया तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हस्ताक्षर किए कैबिनेट के मंत्री थे, कभी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे? अभी पीओके में जो भारत का हिस्सा है अभिन्न हिस्सा है 1995 में सारे राजनीतिक दलों ने दोनों हाउस में जो रिजोल्यूशन पास किया कि वो हम लेंगे, वहां पर चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, साहस जुटाएंगे राजनाथ सिंह जी डोलर बेड होल्डी पर जाकर ये उद्घोष करने की जहां पर चाइना भारत के हिस्से में बैठा है कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना बंद करे, वो हमारे हिस्से की जमीन है। आज जम्मू कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हो रहा है और प्रधानमंत्री भी हम माफी की बात नहीं करते, ट्वीट तो कर दीजिए कम से कम, प्रधानमंत्री भी पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। आपने क्या नोटिफिकेशन इशू किया कि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो फाइनल जवाब, इस पर फाइनल जवाब। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने, अब वो सारे विषय पे डिस्कशन बहुत हो गया अभय जी, सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने जो नीति अडॉप्ट की, हो सकता है उनकी नीयत अच्छी रही हो, बहुत दबाव में रहे होंगे, अन्यथा आप क्या बात बोल रहे हैं? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश के पहले बलिदानी थे कश्मीर के एकीकरण के लिए, उनके बारे में बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, नेहरू जी की नीति एक ही लाइन में कह देना चाहता हूं, आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया, और उसके बाद उनकी नीति यह रही कि हम सुलह की शक्ल को सवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। हम लोग, अरे फौज जीत गई होती, दो दिन और समय देते, मगर हमको सुलह की शक्ल सवारनी थी, अपने की एक इमेज प्रस्तुत करनी थी, उस कारण से समस्या रही। तथ्यात्मक डिस्कशन हम लोग करते हैं। सुधांशु जी, कुछ महीने बीते हैं, कुछ दिन पहले भी हमने इसी विषय पर बहस की थी, ये मुद्दा बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी बार बार उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।